नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। छतरपुर जिले की पक्सवाहा ब्लॉक के अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशोर अहिरवार और भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष उमेश वर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम बक्सवाहा तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप कर उसकी हत्या करने वालों के उसकी हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आरोपियों को अतिशीघ्र फांसी दी जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगते हुए महामहिम राष्ट्रपति से अपील की है कि आरोपियों को भी फांसी की सजा दी जाए, साथ ही पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को फर्स्ट क्लास नौकरी दी जाए और पूरे केस फर्स्ट क्लास नौकरी दी जाए और पूरे केस की सुनवाई फास्ट कोर्ट में भी की जाए ताकि आरोपियों को सजा अतिशीघ्र मिल सके। अगर पीड़िता को जल्द न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा, देश की पूरी सड़कें बहुजन समाज के लोगों से भरी होंगी। साथ ही मांग की है कि जिस तरीके से आधी रात को बहन मनीषा वाल्मीकि का दाह संस्कार किया गया है, जो कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार बहुत ही घिनौना कृत्य है, उन पुलिस वालों पर भी ठोस कार्रवाई की जाए। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो के नारों के साथ नगर के युवाओं ने अपना विरोध दर्ज कराया, जिसमें उपस्थित रहे आशिक मंसूरी जी, ब्रजेंद्र चौधरी, अंकित सैनी, अतुल अहिरवार, रामदास साहू जी, गजेंद्र अहिरवार और समस्त युवा साथी उपस्थित रहे। ज्ञापन दिया किस संदर्भ में दिया? आज हम लोगों ने तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी को, जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में घटना हुई है बहन मनीषा वाल्मीकि जी के साथ, तो उसके खिलाफ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया और हम भारत सरकार एवं राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन एवं मांग करते हैं कि जो घटना हुई है और घटना में रात के समय बहन मनीषा वाल्मीकि का देह संस्कार किया गया है, जो कि हिंदू धर्म एवं पूरे देश में नहीं होता है कहीं पर भी, तो उसके खिलाफ मैं जो पुलिस अधिकारी एवं DM साहब द्वारा मतलब जो किया गया है उन सभी को बर्खास्त किया जाए एवं योगी सरकार की जो तानाशाही चल रही है ना कि जो अपने लेटर पर ज्ञापन दिया है वो किस उद्देश्य को लेकर दिया है और क्या चाहते हो कि बहन मनीषा को के साथ जो गलत हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पूरा देश को ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है और उस जंगल राज की बहन अनुसूचित जाति की बहन मनीषा वाल्मीकि जो हाल ही में हाथरस की घटना है उसके साथ रेप करके उसकी जीप काट के रीढ़ की हड्डी तोड़ कर उसे मौत के घाट या यूं कह हत्या का प्रयास किया है और योगी सरकार वहां की जो तानाशाही सरकार है उसकी सहमे वहां के पुलिस प्रशासन ने बेटी के लिए आधी रात का दाह संस्कार किया, जो कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार बहुत ही गलत है। साथ ही पूरे देश में